पांचवें वाइन शॉप के बाहर सो रहे दो सेल्समैनों की हत्या। यूपी के कौशाम्बी जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात बदमाशों ने लूटपाट की नियत से शराब ठेके के बाहर सो रहे दो सेल्समैनों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। एक सेल्समैन की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या की गई, जबकि दूसरे सेल्समैन का मुंह दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया। कोकराज थाना से महज चंद कदम की दूरी पर हुए इस दोहरे हत्याकांड से पुलिस पूरी तरह बेखबर रही। सुबह जब लोगों ने दोनों सेल्समैनों को चारपाई पर मृत पड़ा देखा तो पुलिस को खबर हुई। कोकराज थाने के नाक पर हुए इस दोहरे हत्याकांड के बाद भले ही कौशाम्बी के एसपी क्राइम सीन के मुताबिक रंजीशन हत्या किए जाने और जल्द खुलासा का दावा कर रहे हों, लेकिन इस घटना ने पुलिस पेट्रोलिंग की पोल खोल के रख दी है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। रोकड़ लेके चला गया, 9 बजे आया था, 10 बजे रुका था सर। और उसके बाद उन्होंने खाना वाना खाया अपने पास और बाहर कहीं गर्मी बहुत जबरदस्त अंदर सो रहे थे, बाहर इसमें अंदर सो जा रहे थे और बाहर जो कल गर्मी बहुत ज़्यादा थे बाहर सो रहे थे सर। और उसके बाद सोने के बाद रात क्या घटना हुई नहीं यार, सुबह 8 बजे खबर मिली हमको, पड़ोसी लोग बताए कि आपके सर उनका मर्डर हो गया। तो हम भाग के आए रोक आपके लिए बताना। देखिए, ये पोखरा थाना क्षेत्र में घटना हुई है जिसमें कि दो शराब की दुकानें थी, उनके जो सेल्समैन थे वो बाहर सो रहे थे और उनकी हत्या कर दी गई है। और इसमें जो प्राइमर फेसी जो सीन ऑफ क्राइम का एनालिसिस किया गया, उसमें ये चीज़ देखी जा रही है कि शायद हो सकता है कि कोई आपसी रंजिश या लेन देन का कोई मामला हो, क्योंकि कोई भी इस तरह की चीज़ चोरी नहीं हुई है, कोई लूट करने का प्रयास नहीं किया गया है। तो अब जो कारणों का पता हम लोग लगा रहे हैं कि क्यों ये हत्या की गई है, और बाकी सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, जल्दी घटना को वर्कआउट किया जाएगा।